स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए दिल्ली से 10 संसद संसदीय दल इंदौर पहुंचा और स्मार्ट सड़क का निरीक्षण किया। इंदौर सांसद शंकर लालवानी और विधायक महेंद्र हाडिया ने मालवी पगड़ी पहनाकर संसदीय दल ने स्वागत किया। इतना ही नहीं, स्मार्ट पर संसदीय दल के सदस्यों को पोहा, जलेबी और मालवी व्यंजन परोसे गए। इस दल में शहरी विकास मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। निरीक्षण के बाद सभी स्मार्ट सड़क की तारीफ की है। कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि इंदौर की स्मार्ट सड़क का कामकाज अब देश भर में मॉडल बनेगा। निरीक्षण के दौरान भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। इस दौरान सभी ने वरिष्ठ पार्षद और MIC सदस्य दिलीप शर्मा को भी स्मार्ट सड़क की बधाई दी। हमें ये रोड आपको कैसी लगी, खासतौर से पार्षद दिलीप शर्मा, इन्होंने इसका ये रोड मुझे, मैं कह सकता हूँ कि इतनी अच्छी लगी कि जब हम लगातार दिल्ली में भी हर जो 100 स्मार्ट सिटी चुने गए हैं उनके CEOs को थोड़ा सा पीछे हो जाना, हम करीब 10 CEOs को बुला चुके, औरंगाबाद हो, सूरत हो, पटना हो, देहरादून हो, लखनऊ, यकीनन हम आगे भी जो चर्चा होगी कि हम स्मार्ट सिटी में जो पैरामीटर्स हैं फिर इंदौर का इसका उल्लेख करेंगे, क्योंकि पहली बार कमेटी अपनी आंखों से देख रही है और कमेटी के सभी माननीय सदस्य लोग इस थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जहाँ इंपोचमेंट था मुखिया थी उसको किस तरह से हटाया हमारे पार्षद ने, विधायक ने, संबंध और उस इंपोचमेंट के हटने के बाद, उपयोग हटने के बाद उसका इस्तेमाल देखें, पार्क बनाया, साइकिल ट्रैक बनाया और जिस तरह से नाव के रूप में गमले बनाए, क्यारी बनाई, सचिन बीच में आवाज आएगी भाई मुझे साइड में का, और मुझे जानकारी आज दी कि एक दिन इंदौर वासियों ने यहाँ पे आकर के बैठ करके इसी सड़क पे लोगों ने टिफिन पार्टी की। इससे साफ है ये केवल इंदौर में एक गेस्चर नहीं है, ये आज इस कमेटी के माध्यम से पूरे देश में संदेश जाएगा कि इस देश में इंदौर शहर केवल स्वच्छता में नहीं है, स्वच्छता के इस मानक पे है कि वहाँ स्मार्ट रोड पे सड़क पे बैठ के जितने ट्रैफिक चल रही है, लोग चल रहे हैं वहाँ बैठ करके लोग खाना खा सकते हैं, माइक नीचे कर लो, कोई डस्ट नहीं, कोई गंदगी नहीं, तो निसंदेह फिर मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई स्वच्छता अभियान का कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता और ये एक रोल मॉडल बनेगा कि लगातार इंदौर की चर्चा इसी स्वच्छता से और नंबर एक से, इसका कोई सबसे बड़े महानगर तो है नहीं, बड़े महानगर दिल्ली माने जाते हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, फिर उसके बाद बेंगलोर, हैदराबाद, लेकिन आज अब शहरों की चर्चा होने लगी तो इंदौर ने अपने को नंबर एक करके आज पूरे देश में जब स्मार्ट सिटी की बात आएगी, जब अमृत योजना की बात आएगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम यहाँ अच्छा हुआ, जहाँ 4 साल पहले एकदम पीछे ग्राउंड था, यहाँ पे केवल कूड़ा का ढेर था और आज इसको पिकनिक स्पॉट बना दिया है, लेकिन तो स्वाभाविक है कि इंदौर ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हो, चाहे और कुछ काम अभी बाकी है, जिस तरीके से व्हीकल्स बढ़ रही हैं उससे थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन भी बढ़ रहा है और कुछ चीज़ें हैं उस पर हम आगे हम लोग आज मीटिंग करेंगे। थैंक यू सर, पूरे देश में जब आप थैंक यू सर मंत्री और गृहमंत्री लगातार CA के बारे में बात, बहुत पीछे हो जाओगे। शंकर भाई, आज कितने सांसद आए यहाँ पर और किस तरह के? 11 सांसद आए हैं, विभिन्न प्रदेशों से और विभिन्न पार्टियों के, आज वो इंदौर में सब देख रहे हैं, मुझे लगता है इस बात के लिए स्मार्ट रोड पे और बाकी स्थानों पे भी जा रहे हैं और उसके बाद हमारी समीक्षा बैठक है पूरे अभियान को लेकर, उसके बाद अभियान को लेकर समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद आगे की बात। आदर्श रोड के बारे में क्या कहा इन्होंने, कैसा लगा इनको? क्या आदर्श रोड क्योंकि हमारे यहाँ बना हुआ है और रोड भी बन रहा है, उसको दिखाने के लिए स्मार्ट रोडों में से एक दिखाने के लिए आज हमारे बीच में पूरे कमेटी के मेम्बर आए, अधिकारी भी आए, देखा और पूरे देश में चर्चा है आदर्श रोड की, चर्चा है और आगे और चर्चा इसकी होगी भी, इसलिए आज कमेटी में यहाँ बुलाया गया है। मकर संक्रांति कामनाएं, मंगल कामनाएं, मैं ये निवेदन करूँगा चाइना डोर से पतंग न उड़ा। अच्छा, पोहे जलेबी का भी लुत्फ उठाया है यहाँ पर, इंदौर का पोहे जलेबी फेमस है, भी खाया सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।